नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। क्या प्रधानमंत्री मोदी में कोई दैवी शक्ति है? क्योंकि जब से हिंदुस्तान में मोदी लहर आई है, बीजेपी के सभी विरोधियों का किला धीरे धीरे ध्वस्त होता चला गया। हालात आज ऐसे हैं कि एक दो राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी हर चुनाव में जीत का परचम लहरा रही है। देश में बीजेपी के बढ़ते कद में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का बहुत बड़ा योगदान, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और समय समय पर बीजेपी नेता प्रधानमंत्री के इस गुण का बखान करने से नहीं चूकते। अब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कसीदे पढ़े हैं। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, जनता से जुड़े रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। यही प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र है। मोदी के पास जो सांगठनिक क्षमता है, किसी दैवीय शक्ति के बिना संभव नहीं है। जनता से जुड़ाओ, उससे संवाद, देश की नब्ज पर मजबूत पकड़, आमजन की मुश्किलों की जमीनी जानकारी से उनकी लोकप्रियता ने देश ही नहीं दुनिया में सभी नेताओं को पछाड़ दिया है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने इस दौरान विपक्ष को भी आड़े हाथों ले लिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काट ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा। वहीं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, मोदी जी चाहे संगठन को मजबूत और एफिशिएंट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, शासन चलाने के लिए नए नए प्रयोग हो, वह सब उन्होंने किए हैं और इसने संगठन और सरकार दोनों में उनकी विश्वसनीयता को एक नई ऊंचाई भी दी है। मित्रों, अपने प्रयोगों से उन्होंने बीजेपी को चुनाव जीतने वाली एक मशीन में तब्दील कर दिया है। कहीं का चुनाव होता है, बीजेपी जीतती है। विचारधारा से कोई समझौता नहीं है और कामों की वस्तुनिष्ठ समीक्षा उनके संगठन कौशल के यह मूलभूत मंत्र थे। यही बाद में पार्टी के उत्थान, निर्माण और पार्टी के विस्तार के यह कारण बने। आज यही संगठनात्मक ताकत भाजपा सरकारों की मजबूती का भी एक आधार है। पीएम मोदी की सफलता का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अपने प्रयोग से पीएम मोदी ने बीजेपी को चुनाव जीतने वाली मशीन में तब्दील कर दिया। जाति और वर्ग की सीमाओं को तोड़ते हुए उन्होंने पार्टी के विस्तार का ऐसा मॉडल बनाया जिसका कोई तोड़ नहीं है। मोदी जी के रणनीतिक कौशल की विकास यात्रा कोई एक दिन में नहीं हुई है। देश में वर्षों प्रवास कर उन्होंने लोगों को जाना है, देश को समझा है, आम जन की तकलीफों को भी समझा है, उनसे संवाद किया है। जाति और वर्ग की सीमाओं को तोड़ते हुए उन्होंने पार्टी के विस्तार का ऐसा मॉडल बनाया कि मैं कह सकता हूं कि इसका कोई तोड़ नहीं है। तोड़ लोग ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा है। तोड़ लोग ढूंढ रहे हैं कि इसका क्या तोड़ हो सकता है, क्या काट हो सकती है, लेकिन वह मिल नहीं रहा है। आपके इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।